आप सभी का एक नई वाली वीडियो पे फिर एक बार स्वागत है। आज की जो वीडियो है ये थोड़ी सी अलग होने वाली है। आज हम बेसिकली एक न्यू टाइप ऑफ वीडियो बनाने वाले हैं जो कि डिस्कशन वीडियो होगी। तो अगर इस टाइप का कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो कमेंट में बताना, वीडियो को लाइक भी कर देना, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते, तो फ्यूचर में मैं ऐसे वीडियोस और भी बना के लाऊंगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि माइनक्राफ्ट का जो है नेक्स्ट अपडेट वो क्या होने वाला है। तो अगर आप पिछले कुछ दो तीन अपडेट्स को अच्छे से देखोगे तो आपने ये नोटिस किया होगा कि 1.16 जो था वो एक नेदर अपडेट था और जो 1.17 था वो एक ओवरवर्ल्ड अपडेट था जो कि था केव्स एंड क्लिफ्स का पार्ट वन। और आपको तो पता ही होगा कि 1.18 जो था वो भी एक ओवरवर्ल्ड अपडेट ही था क्योंकि वो था केव्स एंड क्लिफ्स का पार्ट टू। और जो माइनक्राफ्ट का जो सबसे लेटेस्ट वाला अपडेट था माइनक्राफ्ट का वाइल्ड अपडेट 1.19 वाला वो भी एक ओवरवर्ल्ड अपडेट ही था। तो अगर आप ध्यान दो तो 1.16 जो था वो नेदर डायमेंशन के लिए एक अपडेट था और 1.17, 18 और 1.19 जो थे वो ओवरवर्ल्ड के लिए अपडेट थे। तो माइनक्राफ्ट कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा लोग यानी कि जो मेजॉरिटी ऑफ लोग है वो यही प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 1.20 जो आने वाला अपडेट है वो एंड डायमेंशन का अपडेट होगा, साथ ही साथ कुछ और भी जो फीचर्स है 1.20 में ऐड होने के जो है पॉसिबिलिटीज़ है। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि माइनक्राफ्ट के एंड डायमेंशन के लिए ऑलरेडी बहुत सारे एडवांस जो है वो बन चुके हैं, मॉड्स बन चुके हैं, रिसोर्स पैक और भी बहुत सारे जो है फीचर्स ऐड करने के लिए एंड डायमेंशन के लिए बने हुए हैं मॉड पैक्स इंटरनेट पे। हो सकता है आपने एंड के लिए कोई एड ऑन या मॉड पैक ऑलरेडी यूज़ किया होगा। तो ये सब तो प्रेडिक्शन है, वैसे जो भी अपडेट आने वाला है वो जल्दी ही रिवील हो जाएगा इसी मंथ क्योंकि माइनकॉन 2022 की जो अनाउंसमेंट है वो हो चुकी है जो कि लाइव होने वाली है 15 अक्टूबर को। अगर आपने ट्रेलर मिस कर दिया होगा तो उनके चैनल पर जाना, चेकआउट करना मत भूलना, बहुत ही ऑसम ट्रेलर है और उसमें हमें पता चलेगा कि 1.20 में क्या होने वाला और क्या क्या नए फीचर्स, मॉब्स, ब्लॉक्स जो भी है उस सब की वीडियो भी मैं बना दूंगा चैनल पे, तो उसकी टेंशन मत लेना। तो अब हम बात करते कि 1.20 में और क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स आ सकते हैं और क्या नए मॉब्स में ऐड हो सकते। तो सबसे पहले प्रेडिक्शन आ जाते हैं कि 1.20 के अंदर वल्चर और जो मियर कैट्स है और जो ऑस्ट्रिच है वो ऐड होने के पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखो श्योरली तो मुझे भी नहीं पता बट पॉसिबिलिटी तो है क्योंकि ये खुद मोजैंग ने कहा था कि ये जो भी मैंने अभी मॉब्स के नाम लिए ऑस्ट्रिच, वल्चर और मियर कैट्स ये फ्यूचर अपडेट्स में ऐड होने की पॉसिबिलिटी है, ये उन्होंने कहा था तो आ भी सकते बट किस अपडेट में वो श्योरली नहीं पता। तो अब हम डिस्कस ये करेंगे कि मोजैंग ने पिछले 2-3 सालों में क्या गलतियाँ की है अपने अपडेट्स के वक्त, यानी कि अपडेट्स में क्या दिखाया और क्या उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उन्होंने कुछ फीचर्स माइनकॉन में दिखाए और कहा ऑडियंस से कि हाँ ये देखो ये फीचर्स जो है हम जल्दी ही नेक्स्ट अपडेट्स में लाएंगे, मगर वो कभी फीचर्स आ ही नहीं और बोला गया कि ये फीचर कभी आने के लिए बनी ही नहीं थी, ये सिर्फ सिंपली एक एनिमेशन था और ये सिर्फ हमने इंक्लूड किया था, जबकि पहले उन्हें फ़ीचर जो है इम्प्लीमेंट करना था पर पता नहीं उन्होंने नहीं किया। अब क्यों नहीं किया ये वो डेवलपर्स ही जानते हैं। हो सकता है कि अपडेट जो है रिलीज़ के पहले मतलब रिलीज़ करने के लिए ज़्यादा टाइम लग रहा हो इसलिए कुछ फीचर्स उन्होंने ड्रॉप कर दिए ताकि टाइम सेव हो जाए और अपडेट जो है वो टाइम से रिलीज़ हो जाए, ऐसा हो सकता है और वो फ्यूचर में अपडेट्स में आ सकते हो फीचर्स। तो ऐसे कुछ फीचर्स की हम बात करेंगे। सबसे पहले जो है वो है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी में सिंपली आपको जो ब्रश मिल जाता है जिससे आप ग्रेवल और डर्ट को डिग करके उसके अंदर से आपको ट्रेजर मिलते, कुछ लूट मिलती, रैंडम सी लूट मिल जाती आपको जैसे आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं और ये फीचर जो है माइनक्राफ्ट को और ज़्यादा लाइवली बना देता है और ज़्यादा मज़े आते माइनक्राफ्ट के अंदर, बट ये फीचर कभी इम्प्लीमेंट हुआ नहीं, फ्यूचर में आएगा या नहीं इसकी भी कोई गारंटी है नहीं। तो ऐसा ही एक और फीचर था ये जो था अभी रिसेंटली था वाइल्ड अपडेट के वक्त, उन्होंने कहा था कि टॉल बर्च फॉरेस्ट जो है वो ऐड कर देंगे बायोम, एक नई बायोम, मगर वाइल्ड अपडेट में इनको कभी इंक्लूड नहीं किया गया। ऐसे ही एक और मॉब था वाइल्ड अपडेट में जो आने वाला था वो था फायरफ्लाइज जो कि बहुत ज़्यादा ऑसम थे, मुझे भी बहुत उम्मीदें थी कि ये लोग आएंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा माइनक्राफ्ट जो है और लाइवली गेम हो जाएगी, मगर सैडली फायरफ्लाइज को भी ऐड नहीं किया गया माइनक्राफ्ट के अंदर जो कि और एक डाउनफॉल था इस अपडेट के बारे में। सिर्फ इतना ही नहीं जबकि और 2-3 कमियां हैं जो माइनक्राफ्ट ने पिछले 2-3 सालों में की है, जैसे कि
केव्स एंड क्लिफ्स में हमें एक और आइटम प्रॉमिस किया गया था जिन्हें कहते थे बंडल्स। ये जो है स्टोरेज स्पेस प्लेयर का बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ये जो है एक बंडल के अंदर 64 आइटम स्टैक हो जाते जो नॉन स्टैकेबल है, जैसे कि टोटेम ऑफ अंडाइंग। ये जो है आप एक स्लॉट में एक ही रख सकते हो, और जैसे वाटर बकेट, इनको स्टैक करने के लिए बंडल्स जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते, मगर नहीं, ये फीचर भी माइनक्राफ्ट में नहीं आ पाया। तो अब हम बात करने वाले माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल फीचर के बारे में, जो कि इसी साल लॉन्च हुआ था, जिसका नाम अपने अब तक सुन ही लिया होगा, रेंडर ड्रैगन। तो रेंडर ड्रैगन जो है वो एक बेसिकली ग्राफिक्स इंजन है जिस पर अभी माइनक्राफ्ट चलता है। जो इंजन पहले था उसका नाम HAL था, हॉल। वो इंजन जो है वो लोगों को उसका नाम भी नहीं पता था, बट लोग उसी पे माइनक्राफ्ट खेलते थे और सबको पसंद भी था, क्योंकि HAL पे जो है शेडर्स चलते थे, और शेडर्स में माइनक्राफ्ट एक नेक्स्ट लेवल ही चली जाती है। आप सबने भी अगर शेडर्स के साथ खेला होगा तो आपको पता होगा माइनक्राफ्ट शेडर्स के साथ और कितनी ज़्यादा रियलिस्टिक और अच्छी लगती है। और जब से रेंडर ड्रैगन आया है ना, कोई भी शेडर अच्छे से वर्क नहीं करता। जितने भी शेडर काम करते थे HAL इंजन पे, रेंडर ड्रैगन पे वो बिल्कुल काम नहीं करते। और रेंडर ड्रैगन लाया इसलिए था ताकि माइनक्राफ्ट जो है और ज़्यादा स्मूथ हो सके, कंपैटिबिलिटी बढ़ सके लोगों की, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है माइनक्राफ्ट को इंजॉय कर सके, इसलिए रेंडर ड्रैगन को लाया। बट रेंडर ड्रैगन के आने के बाद से जो अपनी बेडरॉक की कम्युनिटी, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है मोजैंग से, क्योंकि देखो शेडर्स के बिना माइनक्राफ्ट खेलने में अजीब लगती है, खासकर उन्हें जिन्होंने शेडर्स के साथ ही माइनक्राफ्ट को इंजॉय किया बहुत ज़्यादा। और देखो, जो भी एक बार माइनक्राफ्ट में शेडर यूज़ कर लेता है ना, वो वापस नॉर्मल खेले इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, क्योंकि शेडर्स में आपका रियलिज्म बढ़ जाता है माइनक्राफ्ट खेलने का, और आपको और ज़्यादा गेम रियलिस्टिक लगती है। तो हाँ, रेंडर ड्रैगन ने कई सारे प्लेयर्स को नाराज़ किया, बट हम कुछ कर नहीं सकते। मोजैंग कहता है कि ये फीचर इसलिए लाया गया क्योंकि लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल होगा और जो है माइनक्राफ्ट को और अच्छा बनाने में हेल्प करेगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ऐसे टाइप की वीडियोज़ और चाहिए तो कमेंट में जाके बता देना। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना। अगर आपके पास डिस्कशन के लिए कोई और टॉपिक है माइनक्राफ्ट के रिलेटेड, तो उसे भी कमेंट में डाल सकते हो। अगर अच्छा रहा तो उसे भी हम अगली वीडियो में ले लेंगे, और अगर शॉर्ट टॉपिक रहा तो मैं आपको कमेंट में ही एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मैं होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। चलो, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना, और हाँ, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।